महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, 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 ओम नमः। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। वर्ष 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस द्वारा क्लस्टर 5 के तहत प्रत्येक 11 प्रदेशों के चेयरमैन नियुक्त किए हैं, जिसमें पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं विधानसभा क्षेत्र श्री अनंतपुर साहिब से पूर्व विधायक राणा केपी सिंह का नाम भी शामिल है। इस नई जिम्मेदारी मिलने से जहां पार्टी कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर है, तो वहीं राणा केपी सिंह भी इस नई और बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर नूरपुर वेदी के ऐतिहासिक शिव मंदिर जटवाड़ में नतमस्तक हुए। इस मौके पर राणा केपी सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान ने पार्टी के प्रति उनकी सेवाओं को देखते हुए बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुर, सिक्किम, मेघालय और असम इत्यादि राज्यों की जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, वह पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। और क्या कहा पत्रकारों से बात करते राणा केपी सिंह ने, आप खुद ही सुने। देखो गल है हलत जी, मैं अपना जीवन कांग्रेस पार्टी नूं दिता और मैनू अज अत्यंत की खुशी है कि जो जिम्मेदारी मैनू अज कुल हिंद कांग्रेस के प्रधान खड़गे साहिब, साबका प्रधान सोनिया जी, राहुल गांधी जी और वेणुगोपाल साहब ने दिती है, मैं तो कदे सुपने च भी नहीं सोचा सी। लेकिन मैं इस पवित्र जगह पर खड़ा होके कहना है और मैं अहद भी लिया अपने अंदर इस गल दा कि मैं इस जिम्मेवारी नूं तनदेही नाल निभाऊंगा और अपनी पार्टी नूं दोबारा खड़ी करन वास्ते जिहड़ियां राहुल गांधी दीआं कोशां हैं उहनां दे सिलसिले च अपनी टीम च उहनां ने मैनूं शामिल कीता है। मैनूं पूर्ण आस है कि मैं पूरी जान नाल इस जिम्मेदारी ते पूरा उतरूंगा और पार्टी नूं पार्टी दे नव निर्माण वास्ते अपना पूरा योगदान पाऊंगा। तो नाल दी नाल पार्टी दे बाकी सारी टीम नूं की मैसेज दोगे कि आन वाले इलेक्शन दी लोकसभा इलेक्शन? देखो आन वाला जिहड़ा इलेक्शन है ये हिंदुस्तान दा पिछले 70 साल दा सब तो महत्वपूर्ण इलेक्शन है। ये कैसे टाइम हो रहा है जदों अपोजिशन दा मुकम्मल तौर ते गल घुटिया गया, प्रेस का गला घुटिया गया, मौके की सरकार किसी किस्म के विरोध में सहार नहीं रही, जबकि प्रजातंत्र की यह सुंदरता है कि राज करने वाली यार विरोधी पार्टी एको गड्डी के दो पहिए है, ये दोए चलन तो प्रजातंत्र बहुत अच्छा चलता है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा ये तो उल्ट हो रहा है। असी आने वाले लोग सभा दे विच पूरी ताकत दे नाल सारे देश दे अंदर लड़ाई लड़ांगे और जिन्हां दसां सूबियां दी जिम्मेवारी मैनू मेरी पार्टी ने दित्ती है, जिहदे च बिहार है, बंगाल है, असाम है, झारखंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है, सिक्किम है, ये जिन्हें सूबियां दे अंदर मैनू जिम्मेवारी दित्ती है असी पूरे जोर नाल पार्टी का काम करांगे। राणा केपी सिंह को इन राज्यों की जिम्मेदारी मिलने पर ब्लॉक कांग्रेस नंगल द्वारा कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष संजय साहनी के नेतृत्व में आज आई ब्लॉक चौक पर लड्डू बांटे। इस मौके पर क्या कहा ब्लॉक कांग्रेस नंगल के अध्यक्ष एवं नंगल नगर कौंसिल के चेयरमैन
संजय सानी ने जे भी सुने। लड्डू वंडे अज असीं राणा जी नूं जिहड़े के पंज कलस्टर बनाए आ पूरे हिंदुस्तान दे विच, उन्हां दा जिहड़ा हैगा पंजवें कलस्टर दे विच राणा के पी जी नूं चेयरमैन बनाया गया, उन्हां दी चेयरमैन बनन ते अज खुशी दे विच लड्डू वंडे गए अते हाई कमांड सोनिया गांधी राहुल गांधी अते खरकरे जी दा जिहड़ा हैगा बहुत बहुत सारे ने धन्नवाद किया। और इस तरह असीं कहिंदे परमात्मा जिहड़ा हैगा राणा जी नूं चढ़दी कला च रखे, धन्नवाद। इस मौके पर क्या कहा कांग्रेसी नेता उमाकांत शर्मा ने, आप खुद ही सुने। हाँ जी उमाकांत जी, अज जिहड़ा लड्डू बंडण दा कारण है साडे विधानसभा दे स्पीकर एक्स स्पीकर राणा कमरपाल सिंह जी नूं साडी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दे प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी ने 10 स्टेटां दा जिहड़ा चेयरमैन बनाया है, उस संबंध दे विच मैं तहे दिलों धन्नवाद करदा पंजाब दी कांग्रेस दा ते साडे स्पीकर साहब दा और नंगल दी सारी समुची कांग्रेस ने अज इकट्ठे होके 48 दे विच लड्डू वंडे है ते असीं 2024 दे विच जिहड़ी है समुची कांग्रेस जिहड़ी है तनदेही दे नाल इलैक्शन लड़न दे लई तैयार है ते तन मन धन दे नाल लड़ांगे। इस मौके पर अश्विनी आजाद को भी सुने सड़ी हलचल से बात करते क्या कहा। अज लड्डू दा प्रोग्राम वंडिया दी दसो। अज जो नंगल दे विच साडे दफ्तर दे विच लड्डू राणा जी दे ब्लड विच वंडे आ कि राणा जी नूं अज 10 स्टेटां दा जिहड़ा चेयरमैन बनाया गया, इह साडी जिहड़ी आल इंडिया कांग्रेस कमेटी दे असीं बहुत बहुत धन्नवादी है, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे असीं बड़े धन्नवादी है, साडे लोकल जिहड़े कांग्रेसी अज उहनां हर एक दे मन दे विच इक खुशी दी लहर है और हर एक दे चेहरे दे उत्ते रौनक है, इसी करके इस खुशी दे विच ते हर एक नूं लगदा है कि आने वाले समें दे विच कांग्रेस जिहड़ी आ मुड़ परत के पंजाब दे विच वी आएगी ते सेंटर दे विच वी आएगी ते साडा जिहड़ा इत्थों सानू जो इत्थे आदेश होए ने उहदे मुताबक साडे जिहड़ा काम काज आ बड़ी तेजी दे नाल चल रहा, आने वाले समें दे विच बड़ी जोरां शोरां दे नाल इलैक्शन लड़ के असीं कांग्रेस पार्टी नूं जितावांगे, धन्नवाद। सिटी हलचल के लिए नंगल से राजकुमार राजा के साथ करण चोपड़ा की रिपोर्ट। सैनी इलेक्ट्रॉनिक नंगल श्री अनंतपुर साहब मुख्य मार्ग गांव ब्रह्मपुर, यहां आपको मिलेंगे एलजी और सैमसंग कंपनी के फ्रिज, एलसीडी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा सलीप बेल के गद्दे और क्रॉकरी का सामान भी, वह भी नए नए डिजाइनों और बाजार से सस्ते दाम पर। तो देर किस बात की है, जल्द पहुंचे सैनी इलेक्ट्रॉनिक गांव ब्रह्मपुर। हमारा फोन नंबर है 9876972127। चोपड़ा सिलाई मशीन एंड कॉस्मेटिक अड्डा मार्केट नंगल, यहां आपको मिलेगा कॉस्मेटिक का हर वो सामान जो ब्यूटी पार्लर, सैलून व महिलाओं के प्रतिदिन प्रयोग में आता है। यही नहीं, इसके अलावा सैलून की कुर्सियां, सोफा, दुल्हनों के लिए फैंसी चूड़ा, नेल आर्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरी व सेंट इत्यादि बाजार से सस्ते व थोक दाम पर मिलते हैं। एक बार जरूर सेवा का मौका दें। हमारा फोन नंबर है 9815482433, दूसरा 9878888858। क्या आप नजर अथवा धूप से बचने वाले चश्मे लगवाने की सोच रहे हैं, वो भी ब्रांडेड और बाजार से सस्ते दामों पर? तो सोच क्या रहे हैं, जल्द पहुंचे वशिष्ठ ऑप्टिकल नंगल संतोषगढ़, मुख्य मार्ग आजौली मोड़। यहां आपकी नजर ऑटोमेटिक मशीनों से जांच करने के उपरांत आपके चेहरे के हिसाब से चश्मा लगाया जाता है, वो भी चंद मिनटों में। और हाँ, नजर चेक करने की कोई फीस भी वसूल नहीं की जाती। हमारा फोन नंबर है 9915584190, तो जरूर एक बार सेवा का मौका दें।